मैं तो आई बोल रहा हूं आप लोग बताते रहना सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा चलिए आगे होगा जो होना आपके पैसे वसूल हो गए ताला खोलो जब डिग्री के अनुसार उसने पैसे जमा कर दिए उसका लॉक क्यों नहीं खोला आपने ताला लगाना है तो वहाँ जाके लगाइए माल लिया के ताला लगाइए शाम दोपहर तक आपने ताला 13 साल से लगाया हुआ है 13 साल में वसूली नहीं हो पा रही आपकी मैं अब तो भाई एक बार बताइए ये प्रॉपर्टी 13 साल से ताले में क्यों है केस क्या है क्यों लॉक खोलना है मायलॉर्ड इन दिस केस रेस्पोंडेंट ने लोन लिया था लोन कुछ दे भी दिया और जो डिग्री हुई थी और ब्याज से पैसा जमा कर दिया लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट प्लान मकान में ताला क्या था मैटर क्या था लोन का मैटर था हमारी रिकवरी लोन क्या आप लोन बांटते हो अब लोन लिए थे मकान बनाने के लिए क्या किया ट्रायल कोर्ट में क्या दावा ट्रायल कोर्ट ने डिग्री किया था ओनली सेवन दावा था सूट फॉर रिकवरी लोन की बी क्लास का इन्होंने लगाया उस दावे का क्या हुआ दावे पार्टली डिग्री हुआ 73,000 रुपए की डिग्री हुई 73 और ब्याज 11% फिर क्या हुआ हमने पूरा पैसा जमा कर दिया रसीद भी लगाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सूट ने ताला लगा दिया मकान में हमारे ट्रायल कोर्ट ने पैरा 20 में लिखा भी है कि ये ताला जो लगाया गलत लगाया कैसे लगा सकते हो अंडर सक्रेशन एक्ट द बैंक इज एम्पावर्ड सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बैंक इज एम्पावर्ड बट योर सूट हैज बीन डिक्रीड स्पाइट ऑफ कोई सा भी एक्ट हो यू हैव फाइल्ड दिस सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी माय लॉर्ड That has been decreed, my lord. And as per decree, he has deposited entire amount. Yes. How? He was not correct. Therefore, the bank has filed an appeal, which is pending before your lordship. Unless this appeal is decided in your favor, what rights you have to lock the premises? Because under SARFAESI Act, the bank is. Considering all the questions, you filed the suit for recovery, and that has been decreed to some extent. आपने lock कब लगाया? लॉक लगाया माय लॉर्ड 2010 में 2010 है ना व्हाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ ट्रांसकोर्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लॉक लगाए रखना चाहते हैं मैं इसको लेटेस्ट इंक्वायरी करना चाहता हूं वेदर द बैंक हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी और नॉट आई वांट टू जस्ट इंक्वायर फ्रॉम द बैंक एंड आई कैसे कर सकते ये दावा रिकवरी का डिग्री हो गया इट इज परमिसिबल माय लॉर्ड इट इज परमिसिबल कितना पैसा वसूल करोगे इनसे आप इन्होंने डिग्री कोर्ट ने गलत दी है जिंदगी भर के लिए जो है बंद करके रखोगे ताला और हम किराए से रह रहे हैं सर दावा भी हम किराए से रहे 3,000 रुपए महीने से आया है पैरा 20 में मैं इसको आज ही खोल लिया हूँ आप लॉ बताते रहना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं है कि पैसे वसूली के बाद आप जो है लॉक लगा के रखे 2007 सुप्रीम कोर्ट आप बताइए ना दीजिए कि पैसा वसूल करने के बाद भी ताला डलेगा उस पे ऐसा नहीं वसूल हमारे पैसे वसूली नहीं ना माय लॉर्ड बताइए कौन सा लॉ है कि पैसा डिक्री हुई उतना पैसा मिल गया आपको डिस्पाइट दिस यू कैन कंटिन्यू विद द लॉ माय लॉर्ड मेरे सॉरी मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको कल रख लीजिए कल आज ही होगा जो होना है ताला आज ही खुलेगा 2:30 पे रख लीजिए माय लॉर्ड हां पूरा दिन पड़ा है आपके पास आप 2:15 पे आ जाएंगे प्रॉब्लम भगरा है क्या मकान लेके उसको मकान से बेच देंगे मकान को रोक देंगे बेचने से ताला तो खुलिया नहीं कुछ नहीं अंडर सुक्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 का प्रोविजन है अपील में है बैंक एक्शन लिया है सुक्रेशन एक्ट में कोई लोन में नहीं आता आपके पैसे वसूल हो गए ताला खोलो पैसे नहीं वसूल हुए माय लॉर्ड नहीं पैसे वसूल हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए यहाँ पे तो अभी जब तक डिग्री नहीं हो जाती आपके पैसे की वसूली मानी जाएगी व्हाटएवर डिग्री हैज बीन ग्रांटेड दिस इज अंडर चैलेंज व्हाट द रिलीफ दे आर सीकिंग योर लॉर्डशिप आप क्या मान के चल रहे हो यहाँ से अभी अभी एक मिनट सुनिए मान के ये मान के ही चल रहे होगी अपील आपकी अलाउ ही होगी आप 1,00,000 रुपए महीना जमा करो चलो इनके जो है मकान के कितने रुपए का कितना बड़ा मकान है काफी बड़ा मकान है और आप किराए से रह रहे हैं सर मकान कितने कमरे हैं
हम आपको इनको स्टे नहीं देंगे, आप इन महीने के पैसे जमा करो। मेरा स्पेशल सबमिशन है, हमने जो आप कम से कम 10,000 रुपए महीना जमा करो, हम इनको इनको मैं रिप्लाई की टाइम चाहता था थोड़ा देख आपसे। आवेदन कब लगाया था? 6 जनवरी को। काफी दिन हो गए। 6 जनवरी को। 30 जनवरी है सारे। बैंक के लिए भोपाल में इसलिए मैं मैं चाहता हूँ वी आर जस्ट असेस द ऑनरेबल कोर्स, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा गलत ऑर्डर हो अगेंस्ट द लॉ होगा तो वी वांट टू असिस्ट योर लॉर्डशिप दैट द एक्शन ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके लिए एक्शन कभी सही नहीं रहता। जब डिग्री के अनुसार उसने पैसे जमा कर दिए उसका लॉक क्यों नहीं खोला आपने? अभी सुक्रेशन एक्ट में वो एक्शन लिया हुआ है। ठीक है, लिए लेते रहिए एक्शन। आपने दावा क्यों लगाया? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आने, एक मिनट, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आने के बाद इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग विद दैट सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, हाउ दिस सूट वाज मेंटेनेबल? इट इज मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ द जजमेंट पास बाय अपेक्स कोर्ट 1947 इन द केस ऑफ ट्रांसकोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड क्लियर दैट इवन द क्या किया सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का धारा 13 का नोटिस कब दिया था? उसके लिए मैं डिटेल्स के लिए आपसे टाइम चाहता जवाब दे दूं। आप बैंक के वकील हैं, आपको तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक जवाब के लिए टाइम दे दूंगा, आप रिकॉर्ड पे ले आओ जो करेक्ट चीजें हैं। मैं इसका ताला आज खोलूंगा। आप बता दीजिए, कानून बता दीजिए, उसका ताले लगा के रखा हुआ है। अब लगा है नहीं लगा, अब तो मुझे इंक्वायर करना है माय लॉर्ड, अभी क्या पोजीशन है? गरीब आदमी को कितना परेशान करोगे आप? ताला लगाना है तो वहां जाके लगाइए, माल लिया के ताला लगाइए। एंड द जजमेंट इज इनकरेक्ट ऑन द फेस ऑफ इट माय लॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ इट। इतने बड़े आदमी हो क्या ताला लगाया है? उसकी लिस्ट दीजिए मुझे आज अभी शाम दोपहर तक। उसने पैसे जमा कर दिए फिर भी ताला लगा हुआ है। ताला खोल दीजिए, ताला खोलने के बाद डिक्री हो जाए फिर वसूल कर लीजिए। यही अपील में जो भी होगा होगा, बाकी अभी तो हमारा ताला खुल जाएगा। जो वसूल करना है करिए। आपने ताला 13 साल से लगाया हुआ है, 13 साल में वसूली नहीं हो पा रही आपकी। मैं अब तो भाई एक बार बताइए, ये प्रॉपर्टी 13 साल से ताले में क्यों है? जी बेच देते तो कम से कम जो भी उसको मैं वही जानकारी चाहता था अपने क्लाइंट से। एज एन एडवोकेट समझ में नहीं आ रही बात। समझ रहा हूँ, 13 साल में आपने ताला लगा के प्रॉपर्टी को क्यों जो है आइडल बना के रखा हुआ है? मैं आज यदि 13 साल में प्रॉपर्टी बिक जाती, आपकी वसूली हो जाती, तो इसको ये पैसे जमा करने की जरूरत नहीं। मैं इंक्वायर करना चाहता था क्लाइंट, पैसों को जमा करने के बाद भी आप ताला लगा के रख सकते हो क्या? ये पैसा किस तरह से एडजस्टमेंट होगा? क्या उसी प्रोसीडिंग के मद्देनजर जो पैसा जमा होने के बावजूद भी आप बेच सकते हो उसको आज? आंसर नहीं आएगा, चाहे जैसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो। इट इज मेंशन इन द जजमेंट दैट द बैंक हैड टेकन द पैरा क्लाइंट क्या पैरा 19 ऑफ द जजमेंट में प्लीज बी सीन दैट द बिफोर द ट्रायल कोर्ट वी हैड इन्फॉर्म माय लॉर्ड दैट द बैंक हैज टेकन द एक्शन अंडर सुक्रेशन एक्ट वेयर बाय द टेकन हैड टेकन द फिजिकल पोजीशन। If your lordship dies, we will restore the position without our concession. अभी तो ये अपील चल रही है, तब उसके बाद फिर ले लें। जी जी। Already दे रहे तो। Property shall remain mortgage, my lord. Property shall remain mortgage with the bank. सब कुछ same रहेगा, बल्कि they have already been restored by the court on 25/2/2013. जी। From alienating the suit property. जी। इनके तो rights पहले ही रोक दिए, 10 साल पहले रोक दिए, 10 साल तक ये मकान बंद पड़ा रहेगा तो नुकसान ही होगा आपको। जी my lord.